अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन निहारी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल। और अब मैं उसमें डालूँगी 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून इसमें मैं अब ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा डाल देने के बाद अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई करूँगी। और ये देखिए काफ़ी बड़ा है साइज़ में, लेकिन एडजस्ट कर लें आप। थोड़ी देर इनको फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। चिकन मैंने जो है वो 1/2 किलो लिया था। और आप कोशिश कीजिएगा कि चिकन की जो है वो बड़ी बड़ी बोटियाँ लें। और अब मैं इसको जो है वो अच्छे से भून लूँगी लहसुन अदरक में थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें डालने लगी हूँ गरम मसाला। और गरम मसाले में मैं सिर्फ इसमें डाल रही हूँ 1 दालचीनी की टुकड़ी, जिसको मैंने 2 पीसेस में कर लिया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 लौंग। और उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 6 साबुत काली मिर्चें। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज मैंने जो है वो 2 मीडियम साइज़ के लेकर उनको स्लाइस कर लिया था पतला पतला। और अब मैं इनको जो है वो प्याज डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज के बाद अब यहाँ पे मैं जो हूँ वो इसमें डाल रही हूँ नमक हसबे ज़ायका। और नमक के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच बड़ा सा भर के निहारी मसाला। मैंने जो है वो नेशनल का दिल्ली निहारी मसाला लिया था, जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसको कितना पहाड़ जैसा भर के डाला है। और इस वीडियो में मैं आपको निहारी मसाला का पैकेट दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़्यादा लाइटनिंग की वजह से वो जो है वो सही नहीं आया। मसाले को मैं बस जल्दी से मिक्स करके इसमें पानी डाल दूंगी 4 कप। मसाले को डालने के बाद इसको जो है वो ज़्यादा नहीं भूनना, वरना जो है मसाले का टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आता। 4 कप पानी डाल के मैं इसको जो हूँ वो हाई फ्लेम पे पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि इसका पानी जो है वो ऑलमोस्ट सूख जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने 1 बड़ा लेकर उसको काट लिया था पतला पतला। और अब मैं जो हूँ वो इसको फिर से पकाऊंगी जब तक कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसकी भुनाई करूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, यहाँ जब तक कि ये सारा मसाला जो है वो यकजा हो जाए। मसाला यकजा हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं जो हूँ वो इसमें मज़ीद 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। आपको जितना ज़्यादा शोरबा रखना हो आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। और पानी डाल देने के बाद अब यहाँ पे मैं वेट करूँगी जब तक के जो है वो इसमें 1 उबाल आ जाए। उबाल आ जाने के बाद अब यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आटे और पानी का मिक्सचर। मैंने 1 कप पानी में 1 टेबल स्पून भर के आटा लिया था। और अब मैं इसमें वो डाल रही हूँ, पूरा मैं डाल दूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके। और इसको मैं रख दूँगी ताकि जो है ये गाढ़ा हो जाए। मैंने जो है वो इसको इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा पतला रखा है। अगर आप इसको ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप जो है वो आटे वाला मिक्सचर इसमें थोड़ा सा और डाल दें। और आखिर में मैंने इसको तड़का लगा दिया है। मैंने 1 दरमियानी प्याज को लेकर फ्राई कर दिया था 1/2 कप ऑयल में। और मैंने इसमें अब वो डाला है और ये बस बन गया है। और अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।